I'm so lit, even hell won't take me. हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू आवर ब्रांड न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ सबसे बेस्ट चैंपियन एमसीओसी की, जिसका आप अवेक कर सकते हो 2021 में, जिसमें आप लोग जेनेरिक अवेकनिंग जेम या फिर क्लास अवेकनिंग जेम भी डाल सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो मेरा सबसे पहला चैंपियन होगा वो होगा हाइपेरियन। एक हाइपेरियन ऐसा चैंपियन है जो हर जगह आप लोगों को साथ आएगा। जैसे कि आपको अगर लेन क्लियर करना है, अगर आपको बॉस किल करना है, बॉस किलर के लिए भी बहुत अच्छा ही है। अगर आपको लेन क्लियर करना है उसके लिए भी बहुत अच्छा है। और आपके पास अगर जेनेरिक अवेकनिंग जेम है या फिर क्लास अवेकनिंग जेम है तो आप लोग इसको अवेक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो इसका जो टाइमर है इंक्रीज देख सकते हैं, रिजल्टिंग 65.35% टू 75% पहुँच जाएगी इंक्रीज बफ ड्यूरेशन। तो आप लोग समझ सकते हो कि कितने टाइम तक के लिए इंक्रीज करेगा। और ये जब मेरे पास डूब नहीं था तब मैं इसको इतना यूज़ नहीं करता था, लेकिन जब से ये डूब हुआ है मैं इसको अवेकनिंग जेम डाला इसमें, तो मेरे को ये बहुत जब से बहुत फ़ायदा दे रहा है, इसलिए मैं इसको यूज़ करूँगा और आप लोगों को भी रिकमेंड करूँगा। ये मैंने खुद ट्राई किया इसलिए मुझे ये बहुत पसंद है। तो आप लोग अगर ट्राई करना चाहते हो तो आप लोग को भी मालूम ही होगा कि अगर जो एमसीओसी अच्छा खेलता होगा, जिसको थोड़ी सी नॉलेज होगी उसको मालूम ही होगा कि हाइपेरियन एक बहुत बेस्ट चैंपियन है अगर आपको अवेक करना है। तो चलते हैं हमारे दूसरे चैंपियन की तरफ। तो कैप्टन अमेरिका हमारा एक ऐसा दूसरा चैंपियन है जिसको आप लोग एकदम बिना सोचे समझे अवेक कर सकते हो, भले जेनेरिक हो या फिर क्लास हो, क्योंकि ये एक ऐसा चैंपियन है जिसमें आप लोग आर्मर ब्रेक कर सकते हो, फ्यूरी ला सकते हो, वीकनेस डीबफ है, पैट्रीफाई है और पैसिफाई है। तो आप लोग एकदम इजीली आप लोग इसको रीजनरेशन चैंपियन या फिर हाइपेरियन या जो भी पावर गेनिंग चैंपियन है आप लोग उसके सामने एकदम इजीली यूज़ कर सकते हो। तो ये मुझे इतना पसंद है कि अगर, लेकिन ये मेरे पास है नहीं, अगर ये मेरे पास होता तो मैं इसको ज़रूर डूब करता, क्योंकि मेरे पास अवेकनिंग जेम है। और आप लोगों को इसके अंदर सिग्नेचर स्टोन डालने की भी ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ एक ही सिग्नेचर स्टोन से अच्छे से काम कर सकता है। वॉल्ट का अच्छा रिप्लेसमेंट है, अगर आप लोग वॉल्ट को सोचेंगे कि हम डूब करेंगे तो ये वॉल्ट से ज़्यादा अच्छा चैंपियन है, तो आप लोग वॉल्ट से अच्छा इसको डूब कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोगों को सिनर्जीज भी मिल जाएगी, लेकिन मेरे ख्याल से ये अगर आप लोग वॉल्ट को डूब करने की सोच रहे हो तो आप लोग इसको डूब करें, क्योंकि ये अपनी क्लास में बेस्ट चैंपियन है। और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है कैप्टन अमेरिका, क्योंकि वो हील रिवर्स कर सकता है, वो पावर रिवर्स कर सकता है, पावर गेनिंग रिवर्स करता है वो, तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा चैंपियन है। तो अब चलते हैं हमारे दूसरे चैंपियन की तरफ, तीसरे चैंपियन की तरफ। अगर आप लोग के पास अवेकनिंग जेम है तो आप लोग इसको अवेक कर सकते हो, अगर आप लोगों के पास ये है। तो अब चलते हैं हमारे तीसरे चैंपियन की तरफ, एगॉन। मेरे ख्याल से सबको मालूम है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है कि एगॉन को मैं क्यों बोल रहा हूँ। अगर आप लोगों को डूब करना है तो एकदम आप हम मतलब इसके बारे में तो मुझे बोलने की भी ज़रूरत नहीं। अगर आप लोगों के पास एगॉन है, अगर आप लोग डूब करने के लिए सोच रहे हो तो आप लोग एकदम, मेरे ख्याल से आपको एमसीओसी खेलना नहीं आता या फिर एगॉन का पावर नहीं मालूम आप लोगों को। एगॉन एक ऐसा चैंपियन है जिससे आप एबिस, लैबिरिंथ ऑफ लेजेंड या रॉयल रियल्म ऑफ लेजेंड स्पीड रन सब कुछ एकदम ईजिली कर सकते हो। लैबिरिंथ ऑफ लेजेंड तो आप लोग एकदम ही ईजी कम्प्लीट करोगे, क्योंकि जब इसका 99 का कॉम्बो हो जाता है उसके बाद तो ये बंदे को रोकना बहुत मुश्किल है। ये मुझे चाहिए, लेकिन ये मेरे पास 6 स्टार है, लेकिन मेरे पास अवेकनिंग जेम नहीं है। अगर ये मेरे पास अवेकनिंग जेम होती तो मैं इसके अंदर कपकड़ आ जाता, लेकिन आप लोगों को इसमें थोड़ा सा ये है कि आप लोगों को इसकी सिग्नेचर स्टोन एबिलिटी है वो जो थोड़ी बढ़ा के रखना पड़ेगी, तभी जाके बहुत अच्छा फ़ायदा देगा आप लोगों को। अगर आप लोग के पास ये है तो आप लोग इसको अवेक करो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग चैम्पियन है। मेरे पास 5 स्टार होता तो मैं इसको भी डूब कर सकता था, क्योंकि मेरे पास इसकी अवेकनिंग जेम है, लेकिन ये मेरे पास है नहीं इसलिए मैं अपग्रेड करने ये डूब कर नहीं सकता हूँ। वरना ये बहुत अच्छा चैंपियन है, जैसे कि बहुत सारे अच्छे चैंपियन होते हैं जिन लोगों को सिनर्जी चाहिए होती है, जैसे कि कॉलोसस है, बहुत सारे ऐसे चैंपियन हैं जिन लोगों को सिनर्जी चाहिए, उसके बिना वो इतने अच्छे नहीं है। लेकिन ये एक ऐसा चैंपियन है जिसको सिनर्जी की इतनी ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे भी बहुत अच्छा है। तो अगर आप लोगों के पास ये चैंपियन है तो आप लोग एकदम ईजिली इसको अवेक कर दो, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम चलते हैं हमारे चौथे चैंपियन की तरफ, फ्यूरी। ये इसकी ब्लीडिंग बहुत ही अमेजिंग है, और ये एक बार अवेक हो गया तो आप लोग एकदम इजीली इससे कोई सा भी पैथ क्लियर कर सकते हो, बॉस क्लियर कर सकते हो। ये बहुत ही अमेजिंग चैंपियन है गाइस, यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो। और आप लोगों को इसके अंदर सिग्नेचर स्टोन डालने की ज़रूरत नहीं है, एकदम इजीली हो जाएगा। आप लोग को दो रिवाइव, एक रिवाइव समझ लो इसमें से ही मिल जाएगी। आप लोग चाहो तो एकदम ईजिली इससे कोई सी भी फाइट ख़त्म कर सकते हो,
क्योंकि जब एक बार मरेगा तो अपने ऑटोमेटिकली अपने आप ये रीजनरेट हो जाता है और एक फ्यूरी बफ आ जाएगा जो बहुत ही अच्छा होगा। अगर अगर आप पिट रहे हो, जैसे कि आप लोग बहुत हार रहे हो ये फाइट, तो आप लोग अनब्लॉकेबल हो जाओगे, आप लोग अनब्लॉकेबल हो जाओगे और उसके बाद सेकंड फिनिशर अमेजिंग ब्लीडिंग देगा। फर्स्ट फिनिशर आप लोगों का कोई पूरा अनब्लॉकेबल होगा, कोई से भी एक हिट नहीं होगी जो अनब्लॉकेबल नहीं हो। तो एक ये बहुत अच्छा यूटिलिटी चैंपियन है, अगर एग्रेसिव चैंपियन भी अगर एग्रेसिव स्टाइल से यूज़ करो तो मेरे ख्याल से, लेकिन ये यूटिलिटी चैंपियन है। आप लोग इसको AQ AW ये सब जगह बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। एज अ डिफेंडर ये और अच्छा काम करेगा, अगर आप लोग इसको डूब करके एज अ डिफेंडर डाल सकते हो तो ये और अच्छा काम करेगा। और अगर आप लोग अटैकिंग में भी रखोगे तो भी ये बहुत अच्छा काम करेगा। अगर एबिलिटी एक्यूरेसी रिडक्शन भी करता है ये, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है। अगर एक बार इसके ऊपर फ्यूरी आ गई, निक फ्यूरी की जो फ्यूरी है, तब तो इसका डैमेज बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं, शायद आप लोग ने देखे ही होगी। तब हम चलते हैं हमारे लास्ट चैम्पियन की तरफ। तो हमारा आखिरी चैम्पियन है वॉइड। मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर आप लोगों के पास कैप्टन अमेरिका है तो आप लोग इसको डुप्लीकेट मत करो, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कैप्टन अमेरिका से बहुत ही बेकार है। वो मेरी चॉइस है, वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन अगर वॉइड है आप लोगों के पास तो आप लोग कोई भी फाइट एकदम ईजिली कम्प्लीट कर सकते हो, क्योंकि ये एबिलिटी रिडक्शन भी करता है जब इसके फियर ऑफ वॉइड चलता है। और आप लोगों के इसके अंदर आप लोगों को इतने स्टिक लेवल भी डालने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग एकदम ईजिली खेल सकते हो, जैसे कि रीजनरेशन चैम्पियन हो या पावर गेनिंग चैम्पियन हो, कोई सा भी चैम्पियन हो, जैसे स्टन इम्यून होते हो, स्टन इम्यून बोल रहा हूँ, जैसे लिम्बर नोड पे भी ये बहुत अच्छा काम कर सकता है, मैंने ट्राई किया हूँ इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। तो आप लोग इसके अंदर वर्ल्ड में अगर आप लोग ये डालोगे अवेकनिंग जेम या फिर क्लास अवेकनिंग जेम, तो आप लोग एकदम ईजिली कोई सी भी फाइट जीत सकते हो। ये बिना अवेक शायद इतना अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आप लोग अवेक कर दोगे तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा, और रीजनरेशन चैम्पियन के लिए तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस खेलना है और पैसिफाई ये सब आप लोगों को लेके आना है। फर्स्ट फिनिशर देके आप लोग पावर स्टिंग भी दे सकते हो उसके सेकंड एसपी से, वो आप लोगों को मालूम ही होगा। और मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छा चैम्पियन है, अगर अवेक करने का है तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन होगा। तो चलिए गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। सी इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय बाय।